नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी कि यंगस्ट में या हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं तो उनके अंदर जो दर्द होता है जैसे सिर दर्द, लकवा, चक्कर आना, गर्दन दर्द, बहुत सारी मतलब बीमारियां का उत्पन्न हो रहा है। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम आज इस सब के बारे में जानेंगे एक डॉक्टर से जो कि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं, जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं और सिवान में इनका क्लिनिक है। और आज हम इनके क्लिनिक पे आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो सर। सर कैसे हैं सर? फाइन। थैंक यू सर कि आप हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर हमारे दर्शक को। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बेसिकली हमारी स्टडी जो भी हुई है वो बनारस से हुई है। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से मैंने BMS कंप्लीट किया है और करने के बाद मैंने पटना में अपना एक्सपीरियंस गेन किया है एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल बूढ़ी कैनाल रोड पटना से। जी जी। मैंने उसमें अपने 8 साल अपनी टाइम दी है और वहीं से अपनी न्यूरो पे पूरी घमंड जो भी है अपने किया है। और अब बाकी मैं आपके शहर में सिवान में आ करके अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, योगदान लुक दे रहा हूँ और देख रहे। सर सबसे पहले बताइए सर न्यूरो फिजिशियन होता क्या है? न्यूरो क्या होता है सर? न्यूरो एक पार्ट ऑफ मतलब यूनिट ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं जो कि उसी से को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। नस की एक सेल है इसलिए उसको न्यूरो बोलते हैं। वो बेसिकली उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। न्यूरो फिजिशियन हम लोग इसलिए बोलते हैं कि नस संबंधी किसी भी तरह की बीमारियाँ होती हैं हम उसे देखते हैं स्पाइनल कोड और ब्रेन के थ्रू जो भी हमारी बीमारियाँ होती हैं। नर्व की अगर बात करें तो 12 क्रेनियल नर्व होती है और 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकलती है और ये सारे बॉडी में बॉडी सप्लाई इसी की होती है। और इसमें कहीं भी किसी तरह की अगर कोई दिक्कतें आती हैं, नस दब जाती हैं, चाहे जो भी किसी कारण से होती हैं, तो उससे होने वाले जो भी सिम्टम लक्षण आते हैं और पेशेंट जो हमें बताते हैं कि यहाँ से ये झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रही है, खिंचाव हो रही है, लाइक उसी सब चीज़ को हम लोग देखते हैं बाय हेल्प ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ये जब हम बता रहे हैं सर आजकल जो युवा पीढ़ी है, युवा जो है यंगस्टर लोग हैं, तो बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि उससे सर दर्द, लकवा, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। न्यूरो के स्पेशलिस्ट आप डॉक्टर हैं तो आप बता सकते हैं कि इनका क्या इलाज है, कैसे मतलब उनको देखभाल किया जाए? देखिए, इसका मुख्य कारण तो है कि भागदौड़ की जो ज़िंदगी चल रही है ये एक मुख्य कारण है। सुबह से लेकर शाम तक आदमी भाग रहा है और यंगस्टर में लोग जो कि बैक पेन, गर्दन की दर्दें जो होती हैं जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, इसके और मुख्य कारण बाइकिंग है। जो बाइक से वो ज़्यादा सफर होते हैं, बैड पोस्चर है, पोस्चर लोग केयर करते नहीं है। इसके अलावा पोस्चर मतलब जैसे पोस्चर मतलब पोजीशन होती है कि हमको किस पोजीशन पे अच्छे से बैठना है, कैसे खड़ा रहना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें सोना है, कैसे हमें उठना है, दैट इज पोस्चर। तो ये सब चीज़ का हम यंगस्टर लोग ध्यान आज के युवा पीढ़ी नहीं रखती है और आए दिन वो कभी गर्दन दर्द, कभी कमर दर्द बताती है। एक ये कारण है। दूसरी कारण है कि जिस तरह की हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है उसे प्रॉपर टाइम पे हम डाइट नहीं लेते हैं, खाना नहीं लेते हैं, जिसके वजह से हमारी डीजनरेशन 30 से 35 साल की एज में ही शुरू हो जाती है। डीजनरेशन होता है कि बोन के एल्सियम में कमियाँ आने लगती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, जो कि ये सब चीज़ आज से कुछ साल पहले आफ्टर 40 में सब देखने को मिलता था। अच्छा, जो मार्केट में जो फास्ट फूड खाने का ये भी तो बहुत असर कर रहा है हमारे लाइफ में। एकदम बहुत ज़्यादा असर करता है फास्ट फूड के मैंने खाने के चक्कर में बहुत सारी युवा पीढ़ी अपनी हर चीज़ अपना खो रहे हैं। फास्ट फूड में ना तो बेहतर आपको वाइल मिलता है, ना ही बेहतर कोई भी चीज़ मिलती है फास्ट फूड। आपके तो पास कौन कौन से स्पेशलिस्ट, किस किस का बीमारी यहाँ पे देखा जाता है जिसमें कि मरीज को आप अच्छे से मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो जैसे हम लोग जो देखते हैं सर दर्द जिसको मदकापारी बोलते हैं, चक्कर आना, गर्दन में दर्द, गर्दन में जो दर्दें होती हैं कभी कभी रेडिएटिंग होती है। क्यों होते सर ये? आजकल देखा जा रहा है कि गर्दन में बहुत मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है। बता रहा हूँ, तो वो गर्दन में जब दर्दें होती हैं तो डिजनरेशन की जो मैंने बात पहले कही थी वो डिजनरेशन होने लगती हैं और नसों में हड्डियों में चेंजिंग आने लगती है, जिसके वजह से जो डिस्क होती है जिधर से नसें हमारी निकलती हैं वो नसें थोड़ा दबना शुरू करती हैं। और जब दबना शुरू करती है तो पेशेंट हमसे कंप्लेन करते हैं कि सर गर्दन से दर्द लेके बाहर तक खिंचाव आ रहे हैं, जिसे हम लोग अपने टर्म में रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। इन गर्दनों से लेकर 3 नर्वें निकलती हैं जो हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं। जी जी। और उनका दबने का होता है मतलब सर्वाइकल से 1 से लेकर 7 तक हड्डियाँ होती हैं, उसी से 9 निकलती हैं। तो एक ये कारण होती है।
नसें दबने का। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कभी झटका लग गया। आजकल फैशन में लोग जाते हैं नाई की दुकान पे, थोड़ा मालिश कराते हैं, बोलते हैं थोड़ा गर्दन उधर बजा दो, ये बहुत डेंजरस चीज़ होता है। कभी कभी ऐसे नसें दबती हैं कि कोट कंप्रेस कर जाता है। कोट कंप्रेस मतलब एक नर्व की गुच्छा जहाँ से निकलता है वहीं पे दब जाती है, जिसके चलते पेशेंट क्वाड्रिप्लेजिया में चला जा सकता है, बॉडी बॉडी पैरालाइज हो सकती है और बेड रिडन हो सकता है। तो ये सब चीज़ से भी बचना सर, आजकल के युवाओं में जो आजकल देख रहे हैं मोबाइल का इफेक्ट है, मोबाइल से क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पर क्या मोबाइल मतलब हम लोग की ओपिनियन के हिसाब से, जस्ट पर्सनल माई ओपिनियन, कि मोबाइल इस जनरेशन में काफ़ी असर डाला है। जी जी, इसमें इतना असर डाला है कि एजुकेशन से रेडिएशन होता है बहुत सारा उसमें पावर। हाँ, रेडिएशन होती है, जिसको हम लोग इसके लिए बचने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हेडफोन लगा के बात कीजिए, अपने मतलब पिलो के नीचे उसका ना रखिए, चार्ज में रख करके कंटिन्यू ना छोड़िए। रेडिएशन तो निकलता है, सारा काम उस पर रेडिएशन पे होती है और वो काफ़ी असर डालता है ये लॉन्ग टाइम तक, जिसको मैंने आपको बताया था सर दर्द के बारे में, कफारी के बारे में, तो उसमें काफ़ी इसका रोल हो जाता है। कंटिन्यू बात करने की वजह से जो भी हम ऐसे में होती है तो हेडक बताने लगता है, लेग साइड पर दर्द बताने लगते हैं। क्या आपका मतलब जो ये सब बीमारी है अगर पेशेंट को हो रहा है तो क्या आपका एडवाइस क्या रहेगा हमारे जनरेशन? पहला एडवाइस तो हमारा ये रहेगा कि आप अपना पोस्चर केयर करें, दिनचर्या ठीक करें अपना, खाने पीने का तौर तरीका ठीक करें, चलने फिरने का जो भी हमारा तरीका है वो ठीक करें। दूसरा नंबर ये चीज़ कि मोबाइल का हम उतना ही यूज करें जितना हमें ज़रूरत हो। अनवांटेड मोबाइल का यूज करना आपके लिए हमेशा हार्मफुल है। सर आपका क्लिनिक के सिवान में कहाँ कहाँ पे है, दो जगह सुना है? मेरा क्लिनिक जो आप यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे है आदर्श नगर नियर TBS एजेंसी छपर रोड सिवान। जी जी, एक ये क्लिनिक है, ये हमारा अपना जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी जी। दूसरा मैं हॉस्पिटल रोड में बैठता हूँ, पकरी मोड़ पे जीव का सेवा सदन में, वहाँ पे जी दो जगह बैठते हैं, दो जगह बैठता हूँ यहाँ मॉर्निंग। अभी आप सिवान में कब से मतलब है? अभी है सिवान में मुझे लगता है कि 2 to 2.5 मतलब 2.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। 2.5 साल में आपके पास पेशेंट आना शुरू हो गया मतलब? हाँ, 2.5 साल में सिवान में आप जब पेशेंट आते हैं तो अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उनको। हाँ, पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिलती है, पेशेंट सेटिस्फाइड होते हैं, पेशेंट हमसे सेटिस्फाइड होकर ही एक पेशेंट जाते हैं, दूसरे दिन जब आना होता है उनको रिव्यू के लिए, पुनः फिर चेकअप के लिए। तो आप मेन पेशेंट लेके अपना मेन डॉक्टर है, मतलब न्यूरो फिजिशियन है? न्यूरो फिजिशियन मतलब मेन जो नस से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ज्वाइंट संबंधित, वही हम लोग हैं। पूरे बॉडी में? पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में जहाँ भी मतलब नस के मतलब न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट बोलते हैं उसको, जो भी आती है ज्वाइंट के रिलेटेड जो भी आता है वो सारी चीज। तो आपने देखा कि आज हम बात किए हैं मिस्टर संजय कुमार जी से, जो कि एक न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर हैं, और आज हम जाने कि हमारे जनरेशन में कितनी तरह की बीमारियां निकल के आती हैं और आ भी रही है, तो इन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, घर बैठे आप मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप बेसिक नॉलेज आपके पास हो आप उससे बचाव रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से बीमारी का कोई भी मतलब दिखाई दे रहा है आसपास में या आपके पास हो, तो प्लीज़ आप लोग इन डॉक्टर से यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, आप अपने लाइफ में अच्छे तरीके से तौर तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। और एड्रेस यहाँ पर दो जगह है, एक पकड़ी मोड़ पर और दूसरा तरवाड़ा मोड़ पर, जो कि आदर्श नगर TBS एजेंसी के जस्ट बगल में इनका क्लिनिक है। इन जगह दोनों जगह पे इनका टाइमिंग है बैठने का, और जो भी मतलब आप इंक्वायरी कर सकते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर पे ही इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए और देखिए, अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। थैंक यू।